मोहम्मद लियारी कराची से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, गीबत किसे कहते हैं? किसी की गैर मौजूदगी में उसकी वो बुराई जो उसके अंदर मौजूद हो, तो वो अमल जो है गीबत कहलाता है। जैसे आजकल होता है, चार आदमी जहाँ भी बैठे हों तो पांचवे की बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, तो ये अमल गीबत कहलाता है। ये हराम है, नाजायज़ है, ऐसे जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। बाकी ये कि कोई शरई ज़रूरत हो तो फिर ये गीबत जायज़ हो जाती है। शरई ज़रूरत क्या है? कोई नुकसान पहुँच रहा है किसी से, आप उसको मुतनब्बे करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कोई शरई ज़रूरत हो, मजबूरी हो, तो एक अलग बात है। नॉर्मली किसी की भी, चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, किसी की भी छुपी हुई बुराई है, कोई छुप के गुनाह कर रहा है, आप उसको, उसका पर्दा नहीं उठा सकते, लोगों के सामने आप उसको बयान नहीं कर सकते।